जी हिल गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री की एकदम बेसिक चीजें जिनको हमको जिनसे हमको आगे पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कि पदार्थ क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैटर। मैटर द्रव्य भी बोलते हैं, इसको द्रव्य या सबस्टेंस, सबस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या है? तो द्रव्य वो होता है जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो। मैं इसमें डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। पहले पदार्थ का डेफिनेशन है जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो। जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो ये कहलाता है मैटर या सबस्टेंस या पदार्थ। ओके, तो पदार्थ समझ आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा एटम। एटम या परमाणु, परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र नहीं रह सकता और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो मैं लिख देती हूं किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता तथा रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। समझ में आया? एटम वो चीज होता है जैसे ये चौक है, इसका सबसे सूक्ष्मतम कण है ना एटम कहलाएगा। और एटम जो होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो क्या करता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसके बाद देखते हैं अणु या मॉलिक्यूल। अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एटम के रासायनिक बंध द्वारा बनता है, जो एटम की रासायनिक बंध द्वारा बनता है परंतु यह स्वतंत्र रह सकता है, जो परमाणु की रासायनिक बंध द्वारा बनता है परंतु यह स्वतंत्र रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है।
सकता है ना। जो एटम था तो जो परमाणु था वो स्वतंत्र नहीं रह सकता था, परंतु जो अणु है वो स्वतंत्र रह सकता है और एटम से मिलकर बनता है। जैसे ऑक्सीजन है प्लस एक और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इनसे रासायनिक बंध के द्वारा ये ऑटो बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल हो गया और ये एटम हो गया, मतलब परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट या तत्व। तत्व एलिमेंट या तत्व, तत्व क्या है जो एक ही प्रकार के एटम से बनता हो, मतलब प्योर चीज। ओके, जो तत्व क्या कहलाता है, जो एक ही प्रकार के एटम से, जिनका गुण धर्म एक, जितने एटम हो एलिमेंट में वो एक ही प्रकार के हो, जिनके गुण धर्म एक हो, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज एक हो, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। ओके, तो एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, तत्व कहलाता है। ये प्योर रहता है, मतलब उसमें जितने भी एटम होंगे जिनसे वो बना होगा तत्व, वो एक ही प्रकार के एटम होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं यौगिक। यौगिक या कंपाउंड, यौगिक क्या होता है, ये किसी निश्चित अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात में जो एक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से बनता है, मतलब यौगिक होता है जिसमें कई प्रकार के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जो जिनका अनुपात निश्चित होगा। ओके, जैसे H2 इसमें क्या है, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, फिर CO2। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो पदार्थ होता है वो सभी दुनिया की सभी चीजें पदार्थ से बनी है, और पदार्थ जो होता है उसका खुद का द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या